नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। और हो सकता है आप लोगों को ये न्यूज मिल गई हो कि ESB ने अपना कैलेंडर जो है एग्जाम कैलेंडर 2024 का आउट कर दिया है। अगर नहीं मिली है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसा कि जो ESB है, जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, ये जो व्यापम है, मतलब पहले इसे व्यापम बोला जाता था, तो ये अपना जो एग्जाम कैलेंडर ये जारी करता है। तो अभी लगभग 3 दिन हो गए हैं, ये मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, तो मतलब कि उसने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। तो क्या उन्होंने MP महिला सुपरवाइज़र की उसमें जिक्र किया है अपने कैलेंडर में एग्ज़ाम का कि नहीं किया है, एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, 2024 में होगा या 25 में होगा, और जिनकी एज हो रही है उनको, उनके लिए क्या होगा, और हम हाउसवाइफ अब क्या करें, आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी पढ़ने के लिए, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले कि आप लोग, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको फर्स्टली बताती हूँ कि जो ये एग्ज़ाम कैलेंडर आया है ESB का, इसमें मतलब है MP महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम का जिक्र किया गया कि नहीं किया गया, तो मैं बता दूँ कि इसमें नहीं किया गया है। उन्होंने और सारी एग्ज़ाम्स का यहाँ पर किया है, बट MP महिला सुपरवाइज़र और SI के एग्ज़ाम का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। तो जो लोग, जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो पहले से कर रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, तो थोड़ा निराश तो हो ही जाते हैं। मुझे भी जब ये मतलब मैसेज मिला, मुझे जब पता चला, तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हुई, क्योंकि क्या हमारे पास, हम हाउसवाइफ के पास टाइम बहुत कम होता है। हमें जितना टाइम मिला है हमें उतने में ही करना है, और आगे जितना समय बढ़ता जाएगा हमारे लिए उतना ही, मतलब कि पढ़ाई पढ़ने के लिए तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हो सकता है हमारे सामने और कोई दूसरी प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो जाए और फिर हम स्टडी ना कर पाएँ। बट हमें एक जो होप होती है, आशा होती है, हमें वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद की जो किरण होती है उसे कभी बुझने देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास उम्मीद है तो हम बड़े से बड़े एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। और अगर हमारे पास उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं है, तो फिर हम किसी भी एग्ज़ाम को यहाँ पर क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने उम्मीद को तो आप कभी मत टूटने दीजिएगा। और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव थिंकिंग, जो आपका पॉजिटिविटी है उसे भी आपको नहीं छोड़ना है। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि अरे ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, चलो इस साल नहीं तो अगले साल होगा। और तो आप लोगों को एक और टेंशन होगी कि अगर इस साल 2024 में नहीं होता है तो फिर 2025 में हम ओवर एज हो जाएंगे। तो एक अच्छी न्यूज़ ये है, जो एज हो रही है, जिनकी 35+ हो गए हैं जो, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि जितने भी अब एग्ज़ाम हो रहे हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो रेलवे के हों या फिर व्यापम के हों, तो वो अपने एग्ज़ाम में जो एज क्राइटेरिया है उसमें 3 साल की छूट दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे अभी टेक्निकल की आ गई है वैकेंसी, तो उसमें 33 जिनकी एज, जिसमें मतलब मैक्सिमम एज 30 थी उनकी 33 कर दी गई है, जिनकी 33 थी उनकी 36 कर दी गई है। तो आप यकीन मानिए कि अगर आप 35, इसमें तो वैसे MP महिला सुपरवाइजर में 45 है, अगर मान लीजिए बाय चांस यहाँ पर एज वो लोग कम करते हैं, मतलब कि जो मैक्सिमम एज है वो कम कर देते हैं और आप 35+ हो रही हैं, तो भी मान लीजिए कि अगर वो 3 साल आपको देते हैं, यहाँ पर 3 साल बढ़ाते हैं, मतलब कि 3 साल आपको छूट देते हैं, तो भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगी। हाँ, बशर्ते आप 40+ ना हो। तो आपके लिए ये बहुत ही एक अच्छी बात है, जो जिनकी एज हो रही है और वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट हमें एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पर कोरोना की वजह से, क्योंकि 3 साल हम लोग ने कोरोना में बिताया, कोई एग्ज़ाम नहीं हुए, इस वजह से हमें ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और 100% चांस है कि व्यापम भी ऐसा करेगा ही। और रही बात एग्ज़ाम होने और ना होने की, महिला सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम होने नहीं होने की, तो देखिए व्यापम का जो कैलेंडर होता है वो अपडेट भी हो सकता है। अगर व्यापम पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है कि नहीं हमें इसका एग्ज़ाम लेना ही है, तो फिर वो अपने कैलेंडर को अपडेट भी कर सकता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। व्यापम का जो कैलेंडर है, मतलब कि 1 ईयर में 2 से 3 बार अपडेट हो जाता है कभी कभी,
तो हो सकता है, तो अगर मान लीजिए अपडेट हो गया और आ गई वैकेंसी, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हम अभी अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हमें अपनी पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू रखनी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप एक दो दिन का यहाँ पर रेस्ट ले लीजिए, अगर आपके कोई इम्पोर्टेंट काम है तो आप उनको कर लीजिए, या फिर अभी आने वाले महीनों में अप्रैल में यहाँ पर शादियाँ आ रही हैं और हम हाउसवाइफ हैं तो हमें ये जिम्मेदारी तो अपनानी ही पड़ेगी, हमारे जो रिश्ते हैं नाते हैं उनको तो निभाना ही पड़ेगा। तो आप वहाँ पर, अच्छी बात है ना, हमारा थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है तो हमें यहाँ पर हम अच्छे से अपना सब काम कर लेंगे और फिर अपने स्टडी में लग जाएंगे। तो एक दो दिन आप यहाँ पर गैप कर सकते हैं, या फिर बीच में भी गैप तो होता ही है, हम लोगों के पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती जिनको निभाने के लिए हमें बीच में कभी ऐसा होता है कि नहीं, और फिर कभी कभी तो तबीयत खराब हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने एक दो दिन पहले यहाँ पर, जिस दिन ये न्यूज आई उसके एक दिन बाद मैंने यहाँ पर, मैं भी स्टडी नहीं कर पाई क्योंकि मेरी थोड़ी आँख में भी प्रॉब्लम हो गई थी, आँख दर्द दे रही थी। और फिर होता है ना कि थोड़ा सा मन तो निराश हो ही जाता है, क्योंकि ये था हमारे इसमें कि चलो सितंबर में, मतलब ऐसा आया था कि हाँ सितंबर में आएगी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि उसमें मतलब जिक्र ही नहीं है, तो फिर ऐसा लग रहा कि पता नहीं कब आएगी। बस ये है कि आ जाए और आनी चाहिए ही, बट हमें ये, जैसा कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो अभी तक तो हमें थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। शायद इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, नई सरकार बनने के बाद शायद इसमें कुछ अपडेट हो और हमें नई जानकारी यहाँ पर अपडेट हो करके यहाँ पर मिले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, तो होना तो पक्का है, निश्चित है, बट हो सकता है यही कि इलेक्शन वगैरह है, ये सब होने के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हाँ कब करना है, कैसे करना है। तो आप अपनी स्टडी जारी रखिए, और अगर आप और किसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, आप स्टडी कर सकती हैं, तो आप उसका भी फॉर्म डाल दीजिए। जैसा कि अभी एनटीपीसी का, नॉन टेक्निकल का, रेलवे का आने वाला है, उसका तो कैलेंडर भी आ गया है, पूरा फिक्स है, मतलब कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर। और कौन कौन कर रहा है एनटीपीसी की तैयारी, मतलब नॉन टेक्निकल रेलवे की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मतलब मुझे पता चले कि कौन कौन कर रहा है। वैसे अभी तो आई नहीं, अभी तो टेक्निकल वालों की आई है, जुलाई में बोलते हैं कि एनटीपीसी की भी यहाँ पर आने वाली है, जुलाई में इसकी वैकेंसी, तो मतलब जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जुलाई टू सितंबर, और इसी बीच में फॉर्म डलाएंगे और फिर उसके, अब देखते हैं 2 से 3 महीने बाद फिर उसके एग्ज़ाम्स होंगे। और तो मतलब जो लोग देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं, बस हमें एक ही बात याद रखना है कि अगर हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, भले आपकी परिस्थितियाँ हों, क्योंकि हर परिवार की, हर घर की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, परेशानियाँ अलग होती हैं, भले ही आप संपन्न परिवार से हों, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हर एक औरत अपने पैरों पर खड़ा होना जरूर चाहती होगी, आत्मनिर्भर होना जरूर चाहती होगी। तो आप लोग, मतलब कि अगर आपने सोचा है तो अपनी सोच को आगे बढ़ाइएगा, उसे बीच में नहीं रोकिएगा, क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम औरतों के साथ यही होती है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को भूल जाते हैं अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए। तो थोड़ा सा अगर आप सीरियस हो जाएंगे अपने बारे में, अपने अपने मतलब कि अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में, तो आप लगे रहिए, इस साल नहीं तो अगले साल हो ही जाएगा। और जैसे कि अगर आपने पीछे नहीं किया है तो आप पीछे मुड़ करके नहीं देखिए, क्योंकि पीछे मैंने भी अब ऐसा। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग पढ़ते रहें, रुके नहीं, वैकेंसी जरूर आएगी, और क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए ये बहुत, मतलब कि अब जिनकी तो तैयारी हो चुकी है उनके लिए थोड़ा सा जरूर टेंशन की बात है, और थोड़ा सा लगता ही है। और लेकिन हम लोगों की अभी तैयारी जिनकी नहीं हुई है, जिन्होंने अभी कोर्स ज्वाइन किया है, आरु चुप रहे बेटा, जिन्होंने अभी कोर्स ज्वाइन किया है, तो उनके सामने तो ऐसा था कि अगर अभी 2-3 महीने बाद वैकेंसी आ जाती है तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, मतलब कि अभी हमारे पास चुनौतियां हैं कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना, फिर उसका रिवीजन करना, फिर साथ साथ में प्रैक्टिस करना,
तो बहुत ही मतलब कि टाइम तो अभी हमारे लिए तो ठीक है, बट बस यही है कि आ जाए वैकेंसी लास्ट 2024 के लास्ट तक में आ जाए या फिर 2025 के जनवरी में आ जाए, तो देखते हैं क्या होता है। तो बस आप लोग पढ़ाई अपनी नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल लगातार लगे रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।